देखिए, कल जो रिपोर्ट प्राप्त हुई इसमें इंदौर मेडिकल कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से 7 पॉजिटिव आए थे और 7 जो गांधी मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट थी उसमें भी पॉजिटिव थे। इनको मिलाने के बाद कुल 89 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है इंदौर ज़िले से और इनमें से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी तक हम लोगों ने जो क्वारंटाइन हाउस बनाए हैं, कल जो पर स्क्रीनिंग की गई थी उसमें 350 लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी और 85 लोगों को हम लोगों ने होम क्वारंटाइन किया था, 15 लोगों को इंस्टीट्यूट में क्वारंटाइन में भेजा गया था। इसके अतिरिक्त अभी तक 1500 लोगों को हम लोग क्वारंटाइन कर चुके हैं। जो भी पिछले 3 दिनों से रिपोर्ट आ रही है उनमें अधिकांश लोग वही हैं जो क्वारंटाइन किए गए थे, पर जिनकी परिवार में सदस्य की पहले जांच रिपोर्ट आई थी, यानी कि पॉजिटिव मरीज के पहले कॉन्टैक्ट जिनको हमने क्वारंटाइन किया था, वही लोग अधिकांशतर पॉजिटिव आए हैं। अभी जितने मरीज हमें बाद में मिलते जा रहे हैं उन एरिया को हमने कंटेनमेंट घोषित कर दिया है और वहाँ पर कंटेनमेंट की जो भी प्रोटोकॉल से उनके तहत हमने बढ़ा दिया है। निश्चित रोज ही उनका काम प्रारंभ कर दिया जाता है। जो कल मरीज मिले थे उन सभी क्षेत्रों में वहाँ के संबंधित ADM SDM के मार्गदर्शन में हमारी जो मेडिकल टीम है उनके द्वारा स्क्रीनिंग के साथ में कॉन्टैक्ट का जो सर्वे होता है वो भी कार्य किया जा रहा है।